गाना बजाना। गाना बजाना तो ठीक, लेकिन इस हालत में हम तुम्हें नाचने की इजाजत नहीं देंगे। भाई बोरियत से मरने वाला हूँ मैं इस शादी में। इन शादियों में ना दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप कि आपको मैरिज में बोरियत होता है? तो फिर तो हमरे और आपके बिग ब्रदर की मैरिज के बारे में भी आप सेम ठाट रखते होंगे, क्यों? अरे भाभी मेरी मजाल कि मैं आपकी शादी के बारे में बात करूं? मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे हफ्ते भर रोज रोज तैयार होकर सेम फंक्शंस में जाना, सेम बातें करना और सेम लोगों से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सौभाग्य कांसिनी अंजलि वाजपेयी। अनंत वाजपेयी। अरे कोने में खड़ी खड़ी का बुदबुद आ रही है, कोई परेशानी है का? नहीं दादी, लड़की का नाम बहुत, नाम से तो सुशील ही लग रही है। अबे उच्च कोटि के ब्राह्मण, अरे कोई कोई तो इनमें बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पत्ते का पता है सब बातों का? हाँ मुझे कैसे पता, मैं तो बस ऐसे ही। अरे तो फिकर की क्या बात है, पता चल जाएगा धीरे धीरे वक्त आने पे। जरूरी हो ना हो मैं शादी में नहीं जा रहा। पता है ये शादी ना 4-5 दिन तक चलती है, बोरियत के मारे पागल हो जाऊंगा मैं। यार अनंत तू कुछ भी कर ले, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। वैसे भी तुम कॉलेज में तो शेर बनते घूमते हो, लेकिन जब भी दादी तुम इशारा करते ना तब तो शेर तुम बिल्ली बन जाते हो। उड़ा लो मजाक उड़ा लो मेरा। ये नहीं कि कोई आइडिया दे दो इस हफ्ते भर की सजा से बचने। लेकिन अनंत तुम्हें आइडिया देने का क्या फायदा, तुम थोड़ी ना कुछ करने वाले हो। नहीं इस बार देखना मैं शादी में नहीं जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दिल्ली नहीं जाऊं। कानपुर में कहां हो रहा है जी शादी? हम तो समझे थे कि खैर छोड़ो, आप साथ में होंगे तो दिल्ली हो या कानपुर क्या फर्क पड़ता है? अम्मा मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकूंगा, वो क्या है ना कि यहाँ पर बहुत काम है और ये तय हो चुका है कि अनंत तुम लोगों के साथ जाएगा। आप आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते जी? आपको हम अभी भी डाउट है काजी? अब तुम ही बताओ भाई, तुम्हारा तो माँ बाप है ना तुमको रखने को, मेरा कौन है? हमारा पति तो पीता है मारता है, हम क्या करेगा? हमारा नसीब चंदा भैया हम बताए को भड़कता है भाई, सच तो सच रहेगा ना? मरद को छोड़ के आई है ना तो उसको क्या करने का, अब मरद तो फ्री जिधर मर्जी जाए जिधर मर्जी आए, अब उसको कौन रोकेगा? जिस बात के बारे में पता नहीं है चंदा भाई को सब पता है, मरद चाहे तेरा हो या मेरा सब मरद एक जैसा होता है। चुप करो चंदा भाई, बकवास मत कीजिए आप। मैं कहाँ बकवास कर रही हूँ, कोई औरत अपने मरद को छोड़ कर मायके में आती है क्या? जरूर इसके मरद ने कोई नफरत किया हो,